हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं न्यू मुंबई के अंदर में ओपन प्लॉट। इससे पहले भी हमने इनकी वीडियो बनाई थी, काफी अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया है, काफी अच्छा आपने बुकिंग दी यहाँ पे, इसलिए हम आपके लिए एक अलग लोकेशन के लिए न्यू मुंबई में एक बेहतरीन प्लॉट और लेके आए हुए हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, आपके आसपास में भी लोगों को देखा होगा कि काफी ज्यादा लोग की ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, बट क्या होता है कि किसी का 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए नहीं होता है, इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन प्रॉपर्टी, ओपन प्लॉट में आप इन्वेस्ट कीजिए। आपका जो है आज के टाइम में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए गुंठा से स्टार्ट हो रहा है ये ओपन प्लॉट। यहां पर आप इन्वेस्ट करके आने वाले टाइम में इसी को आप बेहतरीन रिटर्न यहां से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अगर इस लोकेशन पर विजिट करेंगे, जब यहां पर जाएंगे तो ये लोग आपको विजिट भी करवाएंगे, तो आप यहां का लोकेशन देखिएगा। आप देखिए शेवड़ी नवा शेवा सी लिंक रोड देख लीजिए, या फिर आप यहाँ का जो है एयरपोर्ट देखिए, या फिर आपको जो है द्रोणागिरी स्टेशन, रंजनपाड़ा स्टेशन, नवा शेवा स्टेशन, यहाँ का सारा ये लोग आपको विजिट कराएंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि देखिए जब सिडको ने डेवलप नहीं किया था इस लोकेशन पे, यहाँ का भी प्राइस सेम था जैसे कि आज जो है हम आपको जो प्लॉट दिखाने जा रहे हैं इसके प्राइस है। लेकिन प्रेजेंट टाइम जैसे ही सिडको ने इसको डेवलप किया है, सिडको का यहाँ पे जो डेवलपमेंट आया उसके बाद में आप देखेंगे 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए पर घंटा का रेट जो यहाँ पे चल रहा है इसी प्रॉपर्टी का, जैसे कि पहले जो था 2 लाख 3 लाख रुपए जो गुंठा मिलता था, 4 लाख रुपए गुंठा मिलता था, आज वो 1 करोड़ रुपए का जो है वहां पर प्लॉट्स मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये राइट टाइम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। और सबसे चीज ये है कि आपको ये एनए प्लॉट दे रहे हैं। एनए प्लॉट में आपको बेनिफिट ये है, नॉन एग्रीकल्चर जो है प्लॉट्स है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगे, 7-12 का जो है नाम जो है 7-12 पे आपका आएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको आने वाले टाइम बेनिफिट भी देगी, और प्रेजेंट टाइम में जो है आपको ये श्योरिटी रहेगी कि जो प्लॉट्स दे रहे हैं, जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये पूरी तरह से लीगल प्रॉपर्टी है, क्योंकि एनए प्लॉट्स होने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी आपका होगा, 7-12 पे नाम भी आपका ही होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए तो आपको एयरपोर्ट, रंजनपाड़ा स्टेशन, ये सारी चीजें हमने बताई है। इसके बाद यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 2-2 आईटी हब है। एक तो देखिए आप स्टेशन के पास में ही आईटी हब मिलने वाला है, दूसरा जो है मुंबई का सबसे बड़ा आईटी हब बन रहा है इसी प्लॉट के पास में ही। तो फ्रेंड्स, इस सारे जो प्लॉट्स का जो सारे जो बेनिफिट्स हैं इस प्लॉट के पास की, ये सारे आपको आने वाले टाइम में रिटर्न आपको देने वाले हैं, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जहां पे पब्लिक की जो है पब्लिक का आना जाना ज्यादा होगा, जहां पे पब्लिक ज्यादा रहने के लिए आने वाली है, वहां का जो है ऑटोमेटिकली रेट ज्यादा होता ही है। तो प्रेजेंट टाइम में जो है इसका जो रेट आपको 3 लाख रुपए पर घंटा चल रहा है, आने वाले टाइम में आप देखिएगा तो इसका जो प्लॉट का जो रेट होगा वही सेम रेट होगा जैसे कि आज रंजनपाड़ा स्टेशन का है, जो उलवे का है, जो द्रोणागिरी का है, जो नवा शेवा का है, उसी तरह से यहाँ का भी वो जो है कोपटा टाउनशिप का जो एरिया का जो है प्लॉट का जो हमको रेट बता रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको भी इसी तरह से रिटर्न मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विद प्लेटफॉर्म, और हम आपको लेके चले दिखाने ये ओपन प्लॉट। तो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं, ये है खोपटा ब्रिज, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये खोपटा ब्रिज है। ये जो है जहाँ हमें जाना है, इस साइड में आप देख रहे हैं इधर प्लॉट की तरफ जाना है, ये रिवर है खोपटा रिवर, आप देख रहे हैं इसको। अब आपको हम डेफिनेशन बताते हैं, आप देखिए खोपटा ब्रिज से जो हम जिधर से आए हैं, ये सामने का जो लोकेशन आप देख रहे हैं, ये है द्रोणागिरी सिटी। द्रोणागिरी सिटी जिसको सिडको ने डेवलप किया हुआ है, यहाँ का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, काफ़ी आसमान छू रहा है यहाँ का रेट जो है। यहाँ अगर आप एक गुंठा ज़मीन भी लेने जाते हैं तो एक गुंठा ज़मीन का जो कॉस्ट होगा वो 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए पर गुंठा का कॉस्ट होगा। और इसी के रिवर के जस्ट अपोजिट में, आप देखिए ब्रिज से अपोजिट में जस्ट इस साइड जाते हैं आप, यहाँ जो आप लोकेशन देख रहे हैं, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इस साइड के लोकेशन पर अभी प्रेजेंट टाइम का जो रेट है यहाँ पर 3 लाख रुपये स्टार्टिंग जो है, 3 लाख रुपये पर गुंठा से स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ का रेट इस साइड का, क्योंकि सिडको ने अभी इसको लिया नहीं है, इसको अभी डेवलप नहीं किया इस एरिया को। तो अभी आपको हमने डेफिनेशन बता दिया कि एक ब्रिज की एक साइड में जो है डेवलप आया हुआ है वहाँ का रेट क्या चल रहा है, ब्रिज के दूसरे साइड का जो रेट है अभी वहाँ सिडको ने डेवलप ना किया है, इसकी वजह से यहाँ का जो रेट है 3 लाख 4 लाख इस तरह का, जो गुंठा है 5 लाख इस तरह से गुंठा यहाँ का रेट चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो है आप इस चीज़ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ ब्रिज पर खड़े होकर वीडियो बनाई हुई है, इस चीज़ को हमने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर अगर आप ले रहे हैं तो द्रोणागिरी एक साइड में है, यहाँ पर फ्लैट लेने जा रहे हैं तो भी आपको महंगा आ रहा है, यहाँ पर प्लॉट लेने जा रहे हैं तो भी महंगा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेवलप हो चुका है।
डेवलप आने के बाद का जो रेट है वो हमने आपको बताया हुआ है। अनडेवलप एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस साइड का जो लोकेशन है, यहाँ पे जो आपको मिल रही है ज़मीनें, सस्ती ज़मीन मिल जा रही है, अच्छे प्लॉट मिल जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम आपको चलते हैं आगे, लोकेशन दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं आगे जो स्टेशन डेवलप हो रहा है, एक स्टेशन जो बन रहा है। अभी देखिए ये जो है ये नावा सेवा स्टेशन है फ्रेंड, इसी प्लॉट से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई नावा सेवा स्टेशन है। नावा सेवा स्टेशन का हम आपको ये बाहर से पूरा लोकेशन दिखा रहे हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है ये है, ये IT हब है रिलायंस वालों का, ये रिलायंस का IT हब है। इसका भी एडवांटेज आपको मिलने वाला है क्योंकि जिस एरिया में जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वहाँ पे जो है प्लॉट के और प्रॉपर्टी के प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगे होते चले जाते हैं। जहाँ पे पब्लिक फुटफॉल ज़्यादा होता है वहाँ की आप जानते हैं प्रॉपर्टी की कीमत क्या होती है, वहाँ की वैल्यू किस तरह से बढ़ती है। ये जो है ये न्यू मुंबई का नावा सेवा स्टेशन आप देख रहे हैं, मोस्टली तकरीबन काम चल रहा है यहाँ पे, आप देखिए इसको, ये है नावा सेवा स्टेशन, मोस्टली रेलिंग का काम आगे इस साइड से चल रहा है। ये देखिए काम यहाँ पे, वर्क जो है प्रोग्रेस पे है, यहाँ सारा काम धीरे धीरे हो रहा है और आने वाले टाइम में इसका एडवांटेज आपको आपके प्लॉट पे, आपकी प्रॉपर्टी पे मिलने वाला है। देखिए ये है नावा सेवा स्टेशन, ये कितनी बड़ी बाउंड्री के साथ में बहुत ही ज़्यादा बड़े स्पेस में अच्छे लोकेशन पे इसको बनाया गया है। इसी से करीब में ये नावा सेवा स्टेशन के पास जो है, स्टेशन के बाद हम आपको दूसरा दिखाते हैं रांझनपाड़ा स्टेशन, जो कि वो भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई में है। ये है रांझनपाड़ा स्टेशन, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नियर बाई में है रांझनपाड़ा स्टेशन। इसका मोस्टली काम जो है 90% काम जो है तकरीबन हो चुका है रांझनपाड़ा स्टेशन का। देखिए आप, और जिस टाइम आपका ये स्टेशन शुरू हो जाएगा, जिस टाइम यहाँ पे जो सारे डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो जाएंगे, जिस वक्त आपका ये जो प्लॉट है सिडको अपने अंडर में ले लेगा और यहाँ पे डेवलपमेंट लाएगा इसको, तो आने वाले टाइम आपका जो प्लॉट है, जैसे आज के टाइम में द्रोणागिरी स्टेशन के आसपास का जो एरिया है, उलवे का एरिया है, जो आप रेट यहाँ पे देख रहे हैं 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपये जो गुंठा का रेट चल रहा है, आने वाले वक्त में आपके प्लॉट का भी वही कीमत होने वाली है जिस वक्त इसको सिडको जो है डेवलप कर देगा। सिडको के डेवलपमेंट के बाद में आपका जो प्लॉट का जो रेट आने वाला है उसी तरह से। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे का लोकेशन। फ्रेंड्स ये जो देख रहे हैं ये ऑल कार्गो के नाम से जो है यहाँ पे एक वेयर हाउस है ऑल कार्गो कंपनी का, और इसी के पास में जो है ये प्लॉट है जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिस प्लॉट पे हम आपको लेके आए हुए हैं। ये मेन रोड टच प्लॉट है, यहाँ का जो स्टार्टिंग प्राइस है इस लोकेशन का, और जो इनके पास में जो सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं इनके पास में जो प्लॉट्स की जो कीमत है स्टार्ट हो रही है 3 लाख रुपए पर घंटा से। आपको जो ये प्लॉट हम दिखाने वाले हैं ये देखिए मेन रोड टच प्लॉट है, ये यहाँ का आसपास का लोकेशन हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद हम आपको प्लॉट का भी लोकेशन दिखाते हैं। आप देखिए ये जो है ये प्लॉट है, ये रोड टच प्लॉट है इनका जो है, देखिए सह्याद्री वालों का जो है यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये प्लॉट जो है इसको सेल करना है। एक काफ़ी बड़े साइज़ का जो है यहाँ पे एरिया है सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर वालों का, इसमें कई एकड़ में इनके प्लॉट फैले हुए हैं यहाँ पे, इसमें आपको 1 गुंठा 2 गुंठा 4 गुंठा 10 गुंठा जितना भी प्लॉट चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये NA प्लॉट है फ्रेंड्स, इसमें स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करना है, इसमें जो है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे करके आपके नाम पे रजिस्ट्री होगी, और ये इसका जो 7 बारह होगा 7 बारह भी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करके दिया जाएगा। देखिए ये जो है ये प्लॉट है, हम आपको बार बार इसलिए दिखा दे रहे हैं मेन रोड से करीब में सारी चीज़ें, ताकि आपको एक आसानी हो जाएगी, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आके ऑफिस पे इनके विजिट कीजिए, ऑफिस पे आने के बाद बेलापुर में इनका ऑफिस है, बेलापुर से आपको यहाँ पे साइट विजिट करवाएंगे, पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस इनको बेलापुर से आपको देंगे, ये चीज़ ये फैसिलिटी मिलने वाली है। और आप जो है हमारे वीडियो के थ्रू आप जा रहे हैं, वीडियो हमारा देख के आप उनको बताइए कि आप विट प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहे हैं, आपको एक स्पॉट बुकिंग पे अच्छा बेहतरीन डिस्काउंट भी दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा झाड़ी हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे घास फूस निकल आए थे, जिसकी वजह से प्लॉट रोड से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए जो है JCB लगा के ये रोड को ये प्लॉट की पूरी सफाई करवा रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये प्लॉट अच्छा लगा, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर है यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट प्लेटफॉर्म है। थैंक यू।